नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के NCR के जनपद हापुड़ की सदर तहसील क्षेत्र के गांव रसूलपुर में दलित बस्ती में करीब 1 से 2 फुट का जलभराव होने से परेशान होकर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। उनका आरोप है कि लंबे समय से गलियों में जलभराव की समस्या है, जिसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वह अपने मकानों को बेचकर जाना चाह रहे हैं। जब यह सूचना अधिकारियों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद गांव में जांच करने के लिए हापुड़ तहसील से राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। उनका कहना है कि मौजूदा समय में जलभराव की समस्या है, जिस कारण यहां के लोगों ने अपने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा, तो देखते रहिए। हमारे संवाददाता युवराज डॉक्टर शीतल आचार्य गोस्वामी का तन पचौरी की एक खास रिपोर्ट। यार क्या नाम है आपका? ले आऊंगा। क्या नाम है आपका? हेमलता। हेमलता जी, क्या मामला है जी? यहाँ पर पानी का मामला है। हम अपना घर बेचना चाहते हैं। हमारा पानी रास्ते में बहुत बढ़ रहा है, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, और 96 बीघे का तालाब है। हमारा पानी बस वहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, क्या है पूरा पोस्टर में, क्या लिखा हुआ है? पूरे पोस्टर में यही लिखा हुआ है, पानी के कारण हमारे मकान बिकाऊ हैं। अधिकारी यहाँ आए हैं? अधिकारी कुछ आए हैं, कुछ नहीं भी आते, अपने खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। क्या मांगे हैं आपके? प्रधान जी ने ये नाली द्वारा पानी पहुँचाने का कार्य करा है, पर उन्होंने भी जाट लोगों ने इसे भी बाधित कर दिया। कुछ दिनों से ये भी बंद है। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। सिंह साहब, क्या प्रॉब्लम है यहाँ, क्या समस्या है? सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारा पानी सदियों से रास्ते में भरा रहता है, और जो भी प्रधानमंत्री है आइए आश्वासन देता है कि हम आपका पानी बड़े तालाब में भेज देंगे, लेकिन सब झूठी कसमें खाते हैं। अब की बार जो प्रधान हुए हैं अमित चौधरी, इन्होंने कसम खाई है कि मैं आपके गंदे पानी को बड़े तालाब में पहुँचाऊँगा और आपकी समस्या को दूर करूँगा। अब हम ये प्रधान जी काम करने को लगे तो कुछ लोगों ने जो है इनका काम रुकवा दिया। फिर हमने जो है हमने सोचा भाई यहाँ रहना ही बेकार है, इसलिए हम जो है मकान बेचने की जो हमने प्रयास कर लिया। अच्छा, क्या पोस्टर भी लगे हुए हैं? क्या पोस्टर? यही है सर, हम मकान बेच रहे हैं अपना, और क्या करें। कितने मकानों में लगे हुए हैं? मकान करीब जो है हमारे यहाँ 200 मकानों पोस्टर लगे हुए हैं। कोई भी अधिकारी हमारे सुनने को तैयार नहीं है जी। क्या अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या कहना है? अधिकारी आए थे, दरअसल मैं बेड़ा उठाया था जी, हमने जो है पीछे भी जो है कार्रवाई हुई, फिर बीच में टूट गई है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। अच्छा, आप कौन से विभाग से हैं? मैं राजस्व निरीक्षक हूँ, तहसील से जी। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ पे एक बस्ती है, दलित बस्ती, लगभग 500 घर हैं, उनमें उनके पानी का जल भराव हो रहा है। जहाँ पे पानी जाता है वो 10 बिस्से का नंबर है तालाब का, वो बहुत छोटा है, उसमें वो पानी समाहित नहीं हो पाता और रास्ते पर पानी भर जाता है। यहाँ पर देखा गया कि मोहल्ले में जो दलित बस्ती है उन्होंने लगभग 150 घरों पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। वो समस्या बनी हुई है पानी की। नाली का निर्माण प्रधान जी द्वारा कराया जा रहा है, नाली का निर्माण के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधान जी, एक दलित बस्ती का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये दलित बस्ती है, इसमें एक तालाब है और तालाब ओवरफ्लो होने के कारण रास्ते पे 2 से 3 फुट पानी आ जाता है। लगभग 25-30 साल पुराना मुद्दा है। SNWM में हमारा गांव आया है, मैं उसके अंतर्गत नाली का निर्माण करा रहा हूँ। वो नाली छोटे तालाब से हरिजन बस्ती से बड़े तालाब में पहुँच जाएगी, तो इनकी निदान समस्या का हो जाएगा। उस पर कुछ लोगों ने काम रुकवा रखा है। अच्छा, यहाँ पोस्टर भी लगे हुए हैं, क्या पोस्टर है? हाँ, लोग परेशान होकर लगभग 150-200 मकानों ने अपने घर पर मकान बिका हुआ है, उस पर पोस्टर लगा रखे हैं, और परेशान है लोग वाकई में। क्या लोग कह रहे हैं कि हम जाने की तैयारी? हाँ, लोग तैयार हैं। मैंने काफी समझाया उन लोगों को भी, गांव छोड़कर ना जाओ, लेकिन वो दुखी इतने हैं, वो मेरे कहे से भी मान नहीं रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शीतल प्रसाद है। प्रसाद जी, क्या मामला है यहाँ? ये पानी की समस्या है जी यहाँ, और करीब 25-30 साल से ये समस्या हम पे जूझते आ रहे हैं। हम लोगों को पानी के नाम पर ये लोग हर चुनाव में ठगते हैं, और ये आदमी जो मौजूदा प्रधान है इसने पानी का रास्ता निकाला है, तो अब इसके पीछे पड़े हमारा काम रोक दिया। तो पानी कब से भरा हुआ है? पानी को तो 15-20 दिन हो गए यहाँ, अब जब से ये भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कोई पोस्टर लगाए गए हैं, क्या पोस्टर? पोस्टर तो अभी तो थोड़े लगे हैं, और ज़्यादा लगेंगे जब यहाँ हमारा जीना ही मुहाल हो रहा है, तो हम रह कर क्या करेंगे? हम तो जमीन बेच के यहाँ से प्लान कर जाएंगे, अपना जाएंगे यहाँ से। लगभग कितने मकानों पर पोस्टर लगे? कम से कम 200
225 रुपए जो है पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर।